गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाई तुलसीदेव्यै प्रियाई केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग एक प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। श्रीला प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया है, हम लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं ये भक्ति हमारी बढ़ेगी कैसे है? भक्ति बढ़नी चाहिए ना। एक साथ जैसे क्लास वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, उसी तरह हमारे भक्ति में भी प्रोग्रेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं है जैसे कर रहे हैं ऐसे जिंदगी भर हम करते रहे, हमें थोड़ी थोड़ी भक्ति में हमारी बढ़नी चाहिए। मतलब क्या करने से हमारी भक्ति बढ़ेगी? तो प्रभुपाद कहते हैं सेवा करते करते ही सेवा प्रवृत्ति जागवे, सेवा प्रवृत्ति बढ़वे, जेखाने गुरु कृष्ण रे सेवा करवार इच्छा ही नहीं सेखन आवार बाड़ीवार की कथा छे। यहाँ पर कहते हैं कहते हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी। बोले भक्ति का मतलब क्या है? बोले भज धातु सेवया, भजन मतलब होता है सेवा है। इसलिए हम अपना इष्टों को और गुरु वैष्णवों को हम कैसे सेवा करें, हमारे हृदय में सेवा करने की वृत्ति हमारी जगनी चाहिए। इसलिए जब हम गुरु वैष्णव की ठाकुर की सेवा करने का हमारी वृत्ति जगेगा, हम कैसे उनको खुश करें, उनको खुश कैसे करें, जब ये वृत्ति जगेगी तो तभी हमारी भक्ति बढ़ सकती है। इसलिए सेवा प्रवृत्ति बढ़वे, क्या होगा उसको तरह सेवा की प्रवृत्ति हमारी बढ़ेगी। जेखन गुरु कृष्ण ने सेवा करी वाली इच्छा ना है, जहाँ पर गुरुदेव भगवान की सेवा करने की हमारी प्रवृत्ति है ही नहीं, क्या तुम वहां पर फिर भक्ति कैसे बढ़ सकती है? भक्ति मतलब होता है प्रेम प्यार। जैसे एक माँ बच्चे को प्यार करती है, जैसे एक पत्नी पति को प्रेम करती है, लेकिन इसका पता कैसे चलता है? सेवा के द्वारा। सेवा को दिन भर करती ना बच्चों को, माँ दिन भर सेवा करती नहीं बच्चों को, खिलाती है पिलाती है कपड़ा साफ करती है स्कूल भेजती है दिन भर करती है। जैसे पत्नी पति की सेवा करती है, हैं? उसी तरह जो सेवा भक्ति मतलब होता है सेवा, कैसे हम ठाकुर जी को सेवा सुंदर से सुंदर कैसे करें, उनको बढ़िया से भोग लगाए, उनके बढ़िया से उनकी सेवा करें ठाकुर जी की, ठीक है ना। इसलिए आपके घर में जो गिरिराज शिला है, गिरिराज शिला है ना, हाँ नियम है रोज इनको, जैसे आप घर में दूध है कच्चा दूध से उबला हुआ दूध नहीं, रोज जैसे ठाकुर जी को ये करते रोज दूध से ठाकुर को स्नान कराओ दूध, और जैसे दही है अगर दही हो तो ठीक है, नहीं तो दूध है और थोड़ी जैसे घी है गैया के दूध से घी, रोज उनको क्या करना ठाकुर जी को थोड़ा सहेद घर में थोड़ा सहेद रख लेना, ठीक है। सहेद रख के ठाकुर जी को रोज सवेरे सवेरे ठाकुर जी को थोड़ा चीनी, जैसे पंचामृत होता है पंचामृत होता है, रोज ठाकुर को सवेरे उनको स्नान कराओ, नियम है। उनको स्नान करके जो चरणामृत है ना वो चरणामृत लेनी चाहिए। इसलिए कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम कृष्ण पाद पित्ता शिरस धारणम,
कहते भगवान की चरणामृत लेने से क्या होता है, बोले असमय में जो मृत्यु है वो मृत्यु टल जाती है, जितने दुख कष्ट है सबके दुख कष्ट दूर हो जाता है, इसलिए अपना सर पर धारण करनी चाहिए। इसलिए श्री कालियो को सर पर कृष्ण क्यों नृत्य किया, उनने संतों का चरणामृत को उनने सर पर धारण किया था। हाँ, इसलिए रोज क्या करो, ठाकुर जी को रोज, आज एकादशी है, कच्चा दूध आएगा ना, है तो कच्चा दूध कहाँ जा रहे, इसलिए ये रोज रोज ये इनको सेवा करो, ठीक है। और आपका घर में जैसे लड्डू गोपाल है, हैं लड्डू गोपाल है, उनको भी रोज क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए रोज उनको। जैसे शालग्राम को साथ में लड्डू गोपाल को बैठा देना, जैसे बहुत ठंडी पड़ रहा है, ठंडी का समय में थोड़ी सी गर्म कर लेना पानी को, जैसे स्नान कराओ ना, थोड़ी सी उसको, थोड़ी सी पानी में इसको गर्म, क्या है शालग्राम, बैठो। इसलिए ठाकुर जी को जैसे ठंडा का समय में थोड़ी गर्म पानी में, गर्मी का समय में थोड़ा ठंडा पानी में, ठाकुर को जैसे हम लोग जैसे अभी थोड़ी ठंडी है गर्म पानी में स्नान करते हैं, ठाकुर जी को भी थोड़ी सी गर्म करके ठाकुर जी को स्नान करो, ठीक है। आज एकादशी है और आज कथा के बाद में आप स्नान करा देना गिरिराज, नहीं तो आज ये करा देगा। उनको थोड़ा दूध दे देना, कच्चा दूध, ठीक है, कच्चा दूध दे देना, थोड़ा चीनी और थोड़ी सी कच्चा दूध चीनी शहद है क्या, शहद और घी दे देना, ये ठाकुर जी को, ये ठाकुर को स्नान करा देंगे, रोज आप कर देना। हाँ, अगर कोई आपको जब नहीं कर पाए किस कारण से, पत्नी है नहीं कर गए, ये बैठी करेगी, इसलिए ठाकुर जी को रोज कृष्ण को, और जैसे राधा कृष्ण है ना, इनको बीच बीच में कपड़ा बदलनी चाहिए, और कम से कम इनको 15 दिन में एक बार ठाकुर जी को एकादशी का दिन अच्छे तरह से रगड़ रगड़ करके, जैसे थोड़ा नींबू है ना, नींबू है, इसलिए उससे ठाकुर को लगा करके अच्छे तरह से हर एकादशी को ठाकुर जी को अच्छे तरह से रगड़ रगड़ करके ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी काला पड़ जाते हैं, ठाकुर जी काला पड़ जाते हैं, इसलिए ठाकुर जी को अभी तुम्हारी आज सेवा है, दोनों राधा कृष्ण को थोड़ा नींबू ला कर दे देना, ठीक है, उनको रगड़ रगड़ करके लास्ट में अच्छे पानी में इनको स्नान करा दे, ठीक है ठाकुर को। और लड्डू गोपाल है इसको 15 दिन में एक बार ठाकुर इनको रोज स्नान कराना, लड्डू गोपाल और श्री गिरिराज को एक प्लेट के ऊपर रख करके उनको जैसे दूध दही से रोज तो स्नान कराना, लेकिन 15 दिन में एक बार उनको अच्छे तरह से नींबू से रगड़ रगड़ करके सारी, जैसे रोज कभी साबुन लगाती नहीं, कब कब लगाती, कितना दिन में एक बार लगाती, रोज रोज लगाती साबुन, रोज रोज लगाती साबुन, तब फिर ठाकुर को तो ऐसे साफ करनी चाहिए ना, हम तो अपना शरीर को रोज साबुन से साफ कर दिया, ठाकुर को स्नान करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आज एकादशी अच्छी बढ़िया दिन है, आज ये कर देगा ठाकुर को, इन दोनों को हमारे श्यामानंद प्रभु कर देंगे, ठीक है। इसलिए ठाकुर जी को अच्छे तरह से स्नान करा के, हैं ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर के तो भक्ति कैसे बढ़ेगी, बोले भक्ति ऐसे ही बढ़ेगी सेवा को द्वारा, इसलिए अपना ध्यान नहीं रखनी चाहिए, ध्यान ठाकुर जी को रखनी चाहिए, ठाकुर जी अच्छे खा रहे कि नहीं, ठाकुर जी अच्छे पहन रहे कि नहीं, ठाकुर जी का सेवा कैसे हो रही है। जब ठाकुर जी को खुश रखेंगे ना ठाकुर जी को, हैं अपने आप संसार में अपने आप खुश रहोगे। हम बताते ना, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से श्रृंगार करो, हैं और शीशा के सामने खड़े हो जाओ, देखना जैसे अपना शरीर को सजाओगे परिछाई भी वैसे सज जाएगी। इसका मतलब है जब हम ठाकुर जी को अच्छे तरह से उनको स्नान कराएंगे, उनका ध्यान करेंगे, ठाकुर जी को बीच बीच में कपड़ा बदलानी चाहिए, ऐसे नहीं ठाकुर 15 दिन में एक बार बैठ ठाकुर कपड़ा बदला रहे हो, नहीं, जैसे रोज तुम कपड़ा बदलाते कि नहीं, बदलाते रोज कपड़ा तो खुद तरफ बजाते, ठाकुर जी को नहीं करनी चाहिए, कम से कम कुछ दिन में 4 दिन, 3-4 दिन अंतर अंतर में ठाकुर जी को, कितना सेट ठाकुर जी का कपड़ा है कितना सेट है, बहुत है ना, हाँ, इसलिए 3-4 दिन बाद में एक बार ठाकुर जी को कपड़ा बदलाओ, हाँ रोज कपड़ा बदला, ठीक है ना। इसलिए ठाकुर जी को जितने अच्छे तरह से ठाकुर को खुश रहेंगे ना, हम भी संसार में हम भी खुश रहेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहते यदि चित्तवृत्ति गुरु चरणे थाके ताहले अमरा सेखाने ही थाकी ना केन
हमारे सेवा प्रवृत्ति वृद्धि लाभ करवे। यहाँ पर कह रहे हैं कहते अगर हमारी जो चित्त वृत्ति है, कहते किसके चरण में रहनी चाहिए, बोले गुरु जी के चरण में हमारी चित्त वृत्ति रहनी चाहिए। ताहले हमारा जेखाना था कि ना के ना, कहते अगर हमारी चित्त वृत्ति गुरु जी के चरण में रहे, कहते भले ही हम कहीं क्यों नहीं रहे, हम लोग का क्या होगा, सेवा वृत्ति हमारी हर समय हमारी बढ़ते रहेगी, सेवा वृत्ति कभी हमारी घटेगी नहीं। इसलिए नत्वा इंद्रिय प्राणाय तवा संसार प्रवृत्ति बाढ़ हुई। अगर हमारी मन गुरु जी के चरण में नहीं रहे, ठाकुर जी के चरण में नहीं रहे, फिर क्या होगा, कहते वहां पर कहते हैं फिर अपना जब ठाकुर का सेवा गुरु जी की सेवा नहीं करेगी, फिर अपना इंद्रिय तर्पण की बात हम सोचेंगे, हम कैसे बढ़िया से खाए, हम कैसे बढ़िया से पहने, हम कैसे बढ़िया से रहे हैं। फिर जब हम गुरु का उसने सेवा न करके अपना हृदय में ये गंदी गंदी भावना आएगी। लेकिन अगर हमारी मन अगर हर समय भगवान के चरण में गुरु वैष्णव के चरण में रहेगा, फिर अपने आप क्या होगा, अपने आप जीवन में सुखी और शांति रहेगी, ठीक है ना। इसलिए क्या करनी चाहिए, ए इधर आ जाओ कृष्णा, इधर आ, इधर आ, इधर तो मैं बस बैठ, इधर 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 उठता नहीं, हाँ हाँ यहीं पर बैठो, पालकी मुंह में हाथ ला कर अंगुल मुंह में लगा, हाँ वहाँ पर चुपचाप बैठो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तो निरंतर साधु गुरु सेवा कर ले सब सुविधा हो जावे। यहाँ पर कहते हैं हम जीवन में क्या चाहते हैं, सुख शांति, जीवन में सुख शांति चाहते, हम कैसे सुख शांति रहे। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं अगर हर समय हमारी गुरु वैष्णव साधु गुरु वैष्णव की सेवा करने के लिए अगर हमारी हर समय प्रवृत्ति रहे, ठाकुर को सेवा करने के लिए प्रवृत्ति रहे, कहते अपने आप तुम्हारी सारी सुख सुविधा हो जाएगा, है सारी सुविधा हो जाएगा। इसलिए ता नाकर यदि हमारा संसार रे सेवा मायार सेवा बा निजर सुख सुविधा लिए व्यस्त था कि ताहले नाना विध अमंगल अशांति ऐसे आमादी का विवरण करे। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं अगर हम ठाकुर जी की गुरु वैष्णव की सेवा के लिए अगर चेष्टा नहीं करके हर समय अपना सुख सुविधा अगर ढूंढते रहोगे, अपना सुख सुविधा ढूंढते रहोगे, कभी जिंदगी भी कभी तुम सुखी शांति रह नहीं सकते। फिर तो तुम्हारे जीवन में तरह तरह का बाधा, तरह तरह का विपत्ति, तरह तरह का तुम्हारी अशांति आ करके तुमको संसार में दुख कष्ट देगा। क्योंकि जब गुरु वैष्णव ठाकुर खुश रहे तब हम खुश रहे, वो अगर खुश नहीं रहे हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं, खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए कहते अशांति आकर के दुख कष्ट आकर के हम तरह तरह से संसार में हमें दुख कष्ट डालेगा जब हम उनकी भक्ति भजन छोड़ देंगे। अगर हर समय सवेरे उठते ही अगर याद रहे ठाकुर का आरती करना, तिलक लगाना, गुरु मंत्र जप करना, हरिनाम करना, जो कुछ बनाते ठाकुर को भोग लगाएंगे, ठाकुर को श्रृंगार करेंगे, अगर हमारे मन हर समय ठाकुर जी के चरण में लगे रहे, अगर वो अगर खुश रहते हैं तो हर समय तुम भी संसार में खुश रहेंगे। अगर वो खुश नहीं रहेंगे, सारा पृथ्वी का संपत्ति इकट्ठे कर लो, सुख नहीं मिलेगा। रावण जैसे व्यक्ति को शांति सुख नहीं मिला, इसलिए कहते नचेंद्र से सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्तन। स्वर्ग का इंद्र भी खुश नहीं है, इंद्र भी खुश नहीं है, कहते चक्रवर्ती राजा भी खुश नहीं। बोले खुश कौन है, बोले एक व्यक्ति है जो भगवान की भजन करते। इसलिए कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास है। इसलिए हर समय मन कहाँ रखनी चाहिए, ठाकुर जी की चरण में रखनी चाहिए। आमी गुरु कृष्ण के आश्रय कर लाभ कि तू तादर सेवा दिखे हमारा आदो दृष्टि नहीं। यहाँ पर कहते हैं हम तो गुरु जी के चरण में आश्रय लिए, साधु के चरण में आश्रय लिए, लेकिन उनको सेवा की तरफ में हमारे कोई ध्यान ही नहीं। आश्रय लेने से थोड़ी होगा, उनकी सेवा की तरफ में तुम्हारी ध्यान रहनी चाहिए। भक्ति पथ आश्रय करे यदि भक्ति ना करी नाना भावे से पर सेवा करीवार जन प्रस्तुत ना हो ताहले मंगल आशा कुथाए। जैसे हमने भगवान की भक्ति को आश्रय किया है, भगवान की प्रेम का आश्रय किया है, लेकिन आश्रय करके भक्ति तो करना ही पड़ेगा ना,
केवल आश्रय लेने से तो काम नहीं चलेगा है, इसलिए इसको साथ साथ में तो उनकी भक्ति करना पड़ेगा, भजन तो करना पड़ेगा ना। केवल आश्रय बोल दिया, हम भगवान का आश्रय लिया, लेकिन दिन रात इधर उधर चीज में लगे हुए हो, भगवान के बारे में कोई तुम्हारी याद नहीं, अपना भोग वृत्ति के लिए दिन भर उसमें लगे हुए, लेकिन नाम मात्र हम ठाकुर का आश्रय लिया, फिर आश्रय थोड़ी उसको कहते हैं। आश्रय लेना मतलब क्या है, जो कुछ करेंगे हमारी चित्त वृत्ति उनके चरण में लगी रहनी चाहिए हर काम में। ऐसे कोई काम नहीं किसी काम करने पर हम भगवान को भूल जाएंगे, कहते ऐसे काम मत करो, ऐसे कोई काम मत करो जो काम करने से ठाकुर जी को हम भूल जाएंगे। क्यों स्नान कर रहे हो, बोले गंदे शरीर ठाकुर का आरती करना है ना, ठाकुर को जगाना है, इसलिए हम स्नान कर रहे हैं, अच्छे कपड़े इसलिए पहन रहे हैं, ठाकुर जी का हम क्या करेंगे सेवा करेंगे, इसलिए रसोई बना रहे हो। बोले क्यों रसोई बना रहे हो, बोले भगवान की भोग क्या लगेगा, पहले भगवान की सेवा की भावना सोचो, ठाकुर जी को सवेरे कुछ ना कुछ भोग लगानी चाहिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना जब सवेरे उठते हैं उनको भूख लगती है, उसी तरह जैसे लड्डू गोपाल आपके घर में ये छोटे बच्चे हैं तब उनको उठते ही तो भूख लगती है ना, लगती है कि नहीं लगती है, इसलिए क्या करो कुछ घर में लड्डू बना कर रख लो, कुछ मठरी बना कर रख लो है, लड्डू मठरी रख लो, जैसे मक्खन है तुम्हारे घर में मक्खन होता है थोड़ा मक्खन रख दो, ठीक है माता जी, इसलिए थोड़ी सी रख लो, रख करके क्या करो सवेरे जैसे मंगला आरती कर दो, सवेरे मंगला आरती करके ठाकुर को थोड़ी एक लड्डू थोड़ी मठोरी थोड़ा मक्खन मिश्री ठाकुर के सामने रख लो एकदम सवेरे सवेरे, मंगला आरती के बाद में जैसे बच्चों को भूख लगती है ना ठाकुर को भी भूख लगती है, मंगला आरती के बाद में ठाकुर को घर पर सामने रख लो, रख करके उसके बाद में जब आप नाश्ता करते हो जो कुछ बनाते हो रोटी सब्जी आप जो कुछ बनाते हो तभी ठाकुर जी को भोग लगा दो, भोग लगा करके फिर जैसे दोपहर शाम को जब फिर जगाओगे ठाकुर जी को साइन कर देनी चाहिए कि घर को बंद रह देनी चाहिए, नहीं तो जो अगर खोला रखते हो यहाँ पर कोई स्क्रीन है ना पर्दा लगा देनी चाहिए यहाँ पर है छोटा सा पर्दा लगानी चाहिए, लगो ठाकुर जी साइन कर रहे, जैसे हम भी अपना घर में खुला भी नहीं सो नहीं सकते हैं, इसलिए ठाकुर जी के लिए छोटा सा जैसे रात को ठाकुर को साइन देनी चाहिए, रात को ठाकुर जी को जैसे छोटा कोई छोटा सिंहासन जैसे हम देते हैं ना, हाँ इसमें ठाकुर जी को साइन देना ठाकुर जी को, और जैसे शाम को जैसे घर जैसे बंद कर देना, दोपहर में जैसे भोग लगाया ना ठाकुर जी को भोग दरवाजा बंद रहा कोई कोई नहीं आनी चाहिए घर में, ठाकुर जी का घर स्क्रीन बंद कर ठाकुर साइन कर रहे थे हम साइन करते, जब 4 बजे फिर ठाकुर जी को जगाओ उस समय क्या करो थोड़ी सी फाल कुछ भी कोई फाल हो ठाकुर जी को कोई भी फाल हो थोड़ी सी ठाकुर को सामने रख लेना, ठाकुर जी फल खाए रात में जो फिर भोजन करोगे जो भोजन करोगे ठाकुर जी को भोग लगा, ये नियम है हाँ ये नियम है ठाकुर जी के, इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्ति पथ को हमने आश्रय लिया लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, हैं नाना भावे सेवर सेवा करिवार जने प्रस्तुत ना है ताले मंगल रासक होता है, भगवान कौन है हमारे प्रभु, हम कौन है उनका सेवक, हम उनकी सेवक, जो सेवक है जो सेवक का क्या कर्तव्य है, जो सेव्य है जो हमारे प्रभु उनको कैसे हम खुश रखे वो कैसे प्रसन्न रहे, इसलिए हर समय हमारी उसे मिल के लिए हमारी चेष्टा रहनी चाहिए है, चेष्टा रहेगा तो तभी हमारे जीवन में मंगल तभी मंगल होगा, ठीक है ना, इसलिए हर समय हर काम में हमारी याद रहनी चाहिए हम जो कुछ करते हैं ठाकुर जी की खुश के लिए करते हैं, इसलिए आगे श्री गुरुपाद पद्म आश्रय करता हवे निज लघु होते हवे यह नाम आश्रय, कर जैसे हम ठाकुर जी का आश्रय लिया, बोले ठाकुर जी का आश्रय लेने पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले गुरु जी के चरण में आश्रय लेना पड़ेगा, जब गुरु जी के चरण में आश्रय ले तभी फिर हम ठाकुर जी के चरण में आश्रय को ले सकते हैं, जो गुरु जी के चरण में आश्रय नहीं लिया वो फिर ठाकुर जी का चरण में कैसे आश्रय लोगे, इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाऊ बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिया बताए, इसलिए ठाकुर का भक्ति हमें कौन सिखा देगा, गुरु जी तो ही सिखा देंगे भक्ति करने के लिए, इसलिए पहले हमें गुरु जी के चरण को आश्रय ग्रहण करनी चाहिए, इसलिए आश्रय तरह काज हो छे भृत्य है सेवा करा, हम कौन है जो गुरु जी और ठाकुर का चरण में आश्रय लिए, जो आश्रय लिए फिर क्या काम, हम भगवान के सेवक हो गए,
जब सेवक हो गए, हमारे स्वभाव क्या है, हम उनकी सेवा करनी चाहिए। किंतु आमरा ता कर्च की, प्रभुपाद कह रहे क्या हम वो कर रहे हैं क्या, हम तो ठाकुर का चरण आश्रय लिया, क्या सचमुच से हर समय उनको कैसे खुशी करें उसके लिए क्या हम कभी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। सर्वस्व गुरुपाद पद में अर्पण करते हवे तभी तो पूर्ण वस्तु पावा जावे। यहाँ पर कहते हैं हम तो ठाकुर को देखे ही नहीं, पहले हमारे सामने गुरु जी है, पहले क्या करना पड़ेगा, कहते सब कुछ श्री गुरु जी के चरण में हमें अर्पण करना पड़ेगा, हमारे जितने सब कुछ गुरु जी के चरण में हमें समर्पण करना पड़ेगा, तभी पूर्ण वस्तु पावा जावे, तभी पूर्ण वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं गुरु जी के लिए इतना और मेरे लिए इतना है, गुरु जी के लिए इतना है और मेरे लिए इतना है, कभी नहीं ऐसे नहीं। सबके सब जो कुछ वस्तु है सब कुछ का मालिक कौन है, गुरुदेव। इसलिए भगवान राम को जब राज्याभिषेक की गई ना, भगवान राम ने क्या किया, जितने सारे अयोध्या का जितने कागज पत्र सब कुछ उन्हें लाए और वशिष्ठ का चरण में अर्पण कर दिया, बोले गुरुदेव ये सर्वस्व आपका ही है। तो वशिष्ठ जी ने कहा देख बेटा आज से अयोध्या का राजा तुम नहीं हो, अयोध्या का राजा मैं हूँ, अभी मैं जैसे बोलूंगा इसलिए राज्य को ठीक वैसे ही चलाया करना है मेरे आदेश से। इसलिए देखना भगवान राम कुछ भी करते थे सबसे पहले श्री गुरु जी को पास में जाते, तो गुरुदेव अभी क्या करनी चाहिए, गुरुदेव अभी ये स्थिति है, अभी हमको ऐसे कैसे क्या करनी चाहिए, हर काम में क्या करते थे गुरु जी को पूछ पूछ करके सारे काम करते थे। इसलिए पहले क्या होता था जो राज्य है ना, इसलिए हम कहते राम राज्य, राम राज्य मतलब क्या है, जहाँ पर आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जहाँ पर किसी तरह का कोई दुख प्रश्न नहीं रहता था, इसलिए कहते अयोध्या जहाँ पर युद्ध नहीं, अवध जहाँ पर कोई मृत्यु नहीं, जहाँ पर आनंद आनंद है, आनंद आनंद है। कारण है वो गुरु जी के अनुगत्य में करते थे, जब गुरु जी के अनुगत्य में हम सब कुछ करेंगे ना क्या होगा, ना, उनका नाम गुरु है, गुरु मतलब क्या, बोले गुकार अंधकार रुकार तस्य निरोधक, गो मतलब होता है अंधकार, रू मतलब दिव्य आलोक, हमारे हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को जो हटा करके हृदय में जो दिव्य आलोक को संचार करते करते ये गुरु जी है, हैं ये गुरु जी है। इसलिए जब गुरु जी के अनुगत में करेंगे वो हर समय क्या करेंगे, बोले जो कुछ कर रहे हो सब चीज में ठाकुर तुम्हारी याद रहनी चाहिए, हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए ही कर रहे, घर में झाड़ू भी लगाते हो भगवान के लिए, भगवान के दरबार में झाड़ लगाते, जो कुछ काम करो हर काम में तुम्हारी भगवान को याद आनी चाहिए। अगर कोई काम कर रहे हो जिसमें भगवान की याद नहीं आता है, वो काम को मना कर दिया करने के लिए, भैया वो काम को मत करो, जो काम करने पर तुम्हें गुरु वैष्णव और भगवान याद नहीं आ रहे उनका कोई स्वार्थ उसमें है नहीं, वो काम को हमें नहीं करनी चाहिए, वो काम करनी चाहिए जिसमें गुरु वैष्णव और भगवान इसमें संतुष्ट हो, हैं। इसलिए कत अर्पण करते पूर्ण कहते गुरु के सर्वस्व देवा तो दूर कथा, हमारा किछु ही दित चाहिए नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हम सब कुछ गुरु को देनी चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं कुछ भी गुरु जी को देना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं सब कुछ गुरु जी को लेकिन गुरु जी को कुछ देना नहीं चाहते हैं। इसलिए अथच मुख्य कृपा चाहिए भगवान चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं हमको भगवान चाहिए हमें कृपा चाहिए, कैसे होगा, गुरु जी की कृपा से तो होगा। इसलिए हमारे जो प्रभुपाद थे ना वो लोग प्रभुपाद का समय उनके जो शिष्य लोग नौकरी करने जाते थे क्या करते थे, जो उनके महीना में तनख्वाह मिलता था सारी तनख्वाह ला कर गुरु जी को दे देते प्रभुपाद को, हैं, क्योंकि हम जो कुछ करते गुरु सेवा के लिए करते सारे पैसा ले दे देते। अरे प्रभुपाद क्या करते थे उसमें थोड़ी सी निकाल लेते थे, जो थोड़ी सी ठाकुर के सामने का पूरा का पूरा बोल लो गुरु जी आशीर्वाद रूप में तुम पैसा दे रहा है, समझो गुरु जी की पैसा है और गुरु जी का पैसा किस में सेवा, ठाकुर के सेवा में लगे। अपना संसार जिस घर में बेटा बेटी घर द्वार भजन करते हैं उसका घर ही वृंदावन है, जिस घर में सब कैसे भजन करते वही वृंदावन धाम। सब कुछ लेकर के प्रभुपाद थोड़ी सी लेकर सबके सब दे देते लो इसको गुरु जी प्रसाद करके दिया है। जब कोई चीज को गुरु जी प्रसाद करके हम देते हैं
जब वो चीज को हम लेकर के व्यवहार करते ना, उसको तरह भक्ति होता है, भजन होता है। फिर अगर गुरु से कोई चीज छुपाए, गुरु जी से कोई चीज को छुपाए, गुरु जी को बोले ही नहीं, अंदर अंदर में ऊपर बोले गुरु जी का हम गुरु जी का है, लेकिन कोई छुपा कर रखे, उसमें जीव का कल्याण फिर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अथच मुख्य चाहे कृपा चाहे भगवान चाहे। मुंह में बोलते हो क्या हमें कृपा चाहिए भगवान चाहिए, बोले कैसे तुमको भगवान कृपा कैसे होगा, तुम तो गुरु से कोई चीज को छुपा रहे हो, जो चीज को छुपा करके तुम कर रहे हो, फिर वो कैसे तुम्हारी कृपा कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। इसलिए अंतर्जामी के फांकी देवा चले ना, इसलिए कहते जो गुरु भगवान ये कौन, ये अंतर्जामी, ये हमारे हृदय में बैठे हुए। अगर सोचेंगे नहीं हम ऐसे कुछ काम कर रहे, थोड़ी गुरु जी देख रहे हैं, थोड़ी ठाकुर जी देख रहे हैं, बोले भैया भगवान को ठग नहीं सकते हो, क्योंकि हृदय में बैठे ना, तुम्हारी हृदय में बैठ करके तुम्हारी सारी चित्त वृत्तियों को वो देख रहे हैं, उनसे कोई चीज तुम ठग नहीं सकते हो, फांकी नहीं दे सकते, उनको ठग नहीं सकते हो, हैं उनको कोई ठग नहीं सकते हो। इसलिए प्रभुपाद ने एक सुंदर कहानी सुनाया, कहते हैं कामार की इस्पात फांकी न आए, ये प्रभुपाद के वार है इस बात। बोले एक समय कोई एक व्यक्ति, जैसे कमार होता है ना, जो लोहा, जो लोहे में जो अस्त्र बनाता है, जैसे आप लोग सब पेड़ पेड़ काटते हो, हैं, इसलिए एक व्यक्ति ने सोचा कि जो लोहा है ना, इसको मैं ठग दूंगा। बोले कैसे ठगोगे, उसको जैसे पहले उसको लोहे देते थे, बोले ये लोहे में ये हमें ये अस्त्र बना करके दे दो, ये हम जो जो काटते हैं ना सारी चीज को दे दो लोहे। तो उसने सोचा ये लोहार को मैं ठग लूंगा। बोले कैसे, बोले घटिया लोहा दे करके बस बढ़िया हथियार में बना लूंगा, घटिया लोहा दे दूंगा, लोहे में भी क्वालिटी होता है। बोले घटिया लोहा दे दूंगा, उसने किया क्या, घटिया लोहे उसको दे दिया, दे करके सोचा बढ़िया अस्त्र बनाएगा, लेकिन बढ़िया जैसे लोहा दोगे वैसे तो अस्त्र बनेगा। उसने अस्त्र बना दिया, अस्त्र को बना करके जब उसने लकड़ी को काटने के लिए गया ना, बस उसे धार उल्ट गया, पलट गया, क्योंकि वो लोहा अच्छा नहीं था, मजदूर की मजदूर दिया, लेकिन ठग भी गया तुमने। इसलिए कहते हैं अगर कोई चाहे हम गुरु जी को, वैष्णव को, ठाकुर जी को हम ठग लेंगे इसे कपटता करके, भैया ठाकुर जी को कोई चीज ठग नहीं सकते हो, खुद ठग जाओगे, इसलिए ठाकुर जी को ठग नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कद अंतर्जामी के फांकी दुआ चले ना, जो भगवान अंतर्जामी बोले उनको भी ठग लेंगे, हैं भैया उनको कोई चीज ठग तुम ठग नहीं सकते। बोले गुरुपाद पद्म दर्शन ना होले कृष्ण सेवा प्रवृत्ति की करे बाहरी वे। यहाँ पर कहते हैं जब तक गुरु जी की शरणापन्न नहीं होएंगे, भैया तुम्हारी भक्ति कैसे बढ़ सकती है, भक्ति तुम्हारी बढ़ी नहीं सकती। गुरुपाद पद्म दर्शन पर हो यदि आवार जोशी जसन है, संसार करार प्रवृत्ति बाढ़े तभी पतन हो गलो उर्ध गति बोलो ना। यहाँ पर कह रहे हैं जब हमारे गुरु दर्शन हो, गुरु दर्शन मतलब हर चीज भगवत सेवा की भावना, हर चीज में भगवत दर्शन करना। कहते अगर अगर गुरु दर्शन होकर के उसके बाद में फिर अगर माया के दर्शन हो रहा है, फिर संसार के दर्शन हो रहा है, फिर तुम्हारी भक्ति बढ़ेगा कैसे, भक्ति बढ़ी नहीं सकती तुम्हारी, हैं। तो गुरु जी के दर्शन हो हर जगह पर, हमें सेवा सेवा भावना हृदय में, हमारी सेवा की भी प्रवृत्ति जागनी चाहिए। नीचे ही थकलाम कर दो ऊर्ध गति हो लो ना, नीचे ही थकलाम, हम ऊपर नहीं गए, हम नीचे ही रह गए, ऊपर हमारी बढ़ नहीं पाए। इसलिए यदि कह वास्तविक ही गुरुपाद पद्म आश्रय करें, और यदि प्रीतिर सहित गुरु सेवा करें, ताहले निश्चय कृष्ण सेवा लाभ होवे, कृष्ण विषय दिव्य ज्ञान लाभ होवे, सेवा प्रवृत्ति वर्धित होए, सेवानंदे मग्न होवे। यहाँ पर कह रहे हैं अगर कोई वास्तविक रूप में गुरु जी के चरणों को आश्रय कोई ग्रहण करता है, उसको तरह क्या होगा। कहते हैं प्रीतिर सहित गुरु सेवा जो करते हैं, निश्चित रूप में उसको कृष्ण भक्ति बढ़ेगा, और कृष्ण विषय में दिव्य ज्ञान होगा, और उसको सेवा प्रवृत्ति भी बढ़ेगा, और हर समय भगवान की सेवानंद में हर समय विभोर रहेगा, हैं। इसलिए जे काज कर ले विषय बाड़ीवार प्रवृत्ति कमे, संसार वासना कमे, ए रूप काज करवे करते हवे। यहाँ पर कहते हैं, कहते ऐसे ही काम करनी चाहिए जिसमें हमारी
भगवान की भक्ति धीरे धीरे भक्ति हृदय में ठाकुर का प्रति हमारी भावना बढ़ते रहे हैं। कैसे भगवान की चरण में भक्ति हो, ये जो विषय वासना हमारे हृदय से घटे हैं, कहते ऐसे ही काम करना चाहिए। तखन आर कर्ता विवान ना भोक्ता विवान थाके, तखन कृष्ण भोग्य जगत के बा कृष्ण जोशी दिखे परम पूज्य गुरु ज्ञान करते पारा जाए। अगर हमारी ऐसे अगर वृत्ति हो, हम भगवान कैसे खुश करें, गुरु वैष्णव कैसे प्रसन्न करें, उसके बाद में क्या होगा, कहते जो हमारे अंदर में कर्ता अभिमान हम करने वाले हैं, कहते भैया हम कुछ भी नहीं करने वाले, करने वाले तो ठाकुर ही है, सब करने वाले ठाकुर ही करने वाले, कहते ये उस समय भोक्ता अभिमान, भोग करने वाले हम, कर्ता हम है, ये भावना हृदय में नहीं रहते हैं। तखन कृष्ण भोग्य जगत के हैं, उस समय भावना क्या रहती है, ये दुनिया में हम जो कुछ देख रहे हैं ना, ये ठाकुर जी की सेवा के लिए, ये कोई चीज हमारी भोग के लिए नहीं, सब कुछ ठाकुर जी की सेवा के लिए सब कुछ है। इसलिए कृष्ण जोशित के परम परम पूज्य गुरु ज्ञान करते पारा जाए। इसलिए आमी भोक्ता आमी कर्ता यही जड़ अभिमान करे गले ही भगवान सेवा प्रवृत्ति उदय है। अगर यहाँ पर कहते आमी भोक्ता हमी करता है, अगर इसी भावना अगर रहता भोग करने वाले हम ही है और करने वाला मैं हूँ, कहते जड़ा अभिमान कमे गए ही, जब ये अभिमान हमारी कुछ भी नहीं रहेगा, हर समय अभिमान रहेगा हम ठाकुर का सेवक है, हर समय उनकी सेवा करनी चाहिए। कद अभिमान कमे गए ही भगवान सेवा प्रवृत्ति उदय है, तभी हृदय में भगवान की सेवा प्रवृत्ति, तभी हृदय में हमारी उदय होएगा। कहते संसार वासना प्रबल थकले, संसार रे जन्ने बेसी व्यस्त होले, सेवा प्रति जागवे ना, कहते अगर हर समय हमारे हृदय के अंदर में केवल ये संसार का भोग प्रवृत्ति हृदय में रहे, अपना कैसे भोग करे, अपना कैसे भोग करे, अगर ये प्रवृत्ति अगर प्रबल रहता है, उसमें क्या होगा, फिर हमारे हृदय में सेवा बनेगा, फिर तो ये प्रवृत्ति जाएगा हम कैसे भोग करें, हम कैसे भोग करें, यही भावना हमारे हृदय में जागते रहेगा। भगवत सेवार जन्य उत्कंठा होले मानुष निजे गुरु पुत्र ज्ञान, गुरु पुत्र ज्ञान करे बलिया, ये सकल पिता पुत्रादि संगे आर संबंध थाके ना, तखन ही प्रकृत मंगल है, मठवास है, प्रकृत आश्रय है। यहाँ कहते भगवत सेवार जन्य उत्कंठा होले, कहते अगर हमारे हृदय में भगवत सेवा की अगर उत्कंठा जगता है, उस समय क्या होगा, मानुष निज के कहते उसी समय जो इंसान अपने आप को गुरु र पुत्र ज्ञान करे बलिया, ये सकल पिता पुत्रादि संगे अरे संबंध थाके ना, तखने प्रकृत मंगल है, मठवास है, गुरु र पुत्र ज्ञान करे बलिया। कहते हैं उस समय भावना क्या आती है, जब हृदय में भगवत सेवा की भावना जागृत होता है, फिर हम कौन हो गए, बोले गुरु जी की हम हो गए संतान, गुरु जी हमारी कौन हो गए, गुरु जी हो गए पिता, और हम क्या हो गए, गुरु जी की संतान, हम उनकी बच्चे हैं, जब उनके बच्चे हैं, इसलिए कहते उसी समय जैसे पुत्र पिता के जैसे संबंध है, जब भगवान की संतान है, गुरु जी की संतान है, उस समय क्या होनी चाहिए, कहते उसी समय कहते फिर संसार का जड़ जगत का कोई संबंध नहीं रहता है, फिर हमारे संबंध किसको साथ में, ठाकुर जी को साथ में और गुरु जी को साथ में, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारी पिता है, जब ये भावना रहे ना, फिर उसी समय क्या होगा, उसी समय प्रकृत मंगल होता है, जीव का प्रकृत मंगल तभी होता है, तभी हमारी भगवत भक्ति जगत में तभी हम बढ़ सकते हैं, तभी मठवास जीवन में होता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं अगर ऐसे अगर हम अपना जीवन को बिताएंगे तो क्या होगा, हम लोग का जो भक्ति है ना, धीरे 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 हृदय में भक्ति धीरे धीरे हमारी बढ़ते रहेगी। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे।